हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, पे गर्ल से डांस कराने वाली वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था छत के ऊपर सिर्फ एक लड़की को कैसे डांस करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको न्यू वर्जन में अपडेट हुआ है, जिसमें आपको दो लड़की एक साथ डांस करती हुई दिख रही है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक वीडियो शूट करना है कुछ इस तरह से। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपके वीडियो में छत आपको कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, जिसमें 60 से 70% आपको छत दिखना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और दो ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। साउंड म्यूट करने के बाद आपको देखना है वीडियो आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी वीडियो में आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम 3:2 लेफ्ट करेंगे। यदि आपके वीडियो में कुछ राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और 3:2 राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद डन करेंगे, इसके बाद सिंपल का सेलेक्ट करना है और इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको क्रॉप कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में हमारा ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से हमें एक्स्ट्रा पार्ट को क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे और इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको एडजस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को 3:2 राइट कर देना है। इसको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। एक वीडियो का लिंक और दे चुका हूं, तो सिंपल फिर से हम उस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस वीडियो में जो भी आपको ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, ग्रीन स्क्रीन को आपको रिमूव करना है। तो सिंपल फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पर क्लिक करेंगे और सिंपल इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही आपका जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है वो आपका रिमूव हो जाएगा। फिर से ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम करना है और सही से आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। तो आप ध्यान से आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद डन करेंगे, इसका लास्ट पॉइंट पर आना है, एक्स्ट्रा पॉइंट को 3:2 राइट कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, इस दोनों वीडियो में आपको ओरिजिनल साउंड है तो दोनों वीडियो में के ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। तो सबसे पहले मैं म्यूट कर देता हूँ। म्यूट करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो जब आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा तो फिर से इसे हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे। मैंने कैमरा ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको अगेन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्टिंग का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को हम 3:2 लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लिप पर प्रेस करेंगे और लास्ट पॉइंट पे ऑटोमेटिक आपका चला आएगा। फिर से ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे कुछ इस तरह से लेकर आना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को 3:2 राइट कर देना है। फिर से ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल कर देना है और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर से ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से जूम करना है और नीचे की तरफ आपको कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इसे आपको जूम इन जूम आउट करना है, कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। इस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल कुछ इस तरह से एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपल कैमरा का जो डिस्प्ले दिख रहा है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और जो भी नीचे की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसे हम क्रॉप कर देंगे। सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करता हूँ, क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, इसे इनेबल करता हूँ, इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर की पार्ट जो नीचे के पार्ट जो दिख रहा है एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ इस तरह से क्रॉप कर देंगे। जब फाइनली हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट पे आते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को जितने भी पार्ट एक्स्ट्रा है लास्ट का एक्स्ट्रा पार्ट को 3:2 राइट कर देना है। तो मैं फटाफट 3:2 राइट कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्राइक आईडियो कर देंगे। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी आईडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे आईडियो फेड आउट ऑफ करेंगे, शेयर पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंस चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।